5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए। साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। ठंड जानलेवा हो सकती है, सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं CA की छात्रा थी तब मुझे लेप्रसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो एक साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करें। त्वचा पे हल्के रंग के सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अत्यधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी।
बिट्टू बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है, टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। जयराम ठाकुर ने पौंडा साहिब क्षेत्र में लगभग 94 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार ने कल कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित बंद को लेकर सभी राज्य सरकारों को जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसान आंदोलन को बताया राजनीतिक आंदोलन, जबकि कांग्रेस ने कहा किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी पार्टी। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने लोगों से की सशस्त्र सेना फंड में दान की अपील। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व को बड़ी तीव्रता से अपनी चपेट में लिया है। कोई भी इलाज उपलब्ध होने तक इस जानलेवा महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से अच्छी तरह मुंह और नाक को ढकने से कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका गौतम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिरमौर जिले के पौंटा साहिब क्षेत्र में करीब 94 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 11 विकास योजनाओं के उद्घाटन व 12 योजनाओं के शिलान्यास शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पौंटा साहिब क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की। शिलान्यास के कार्यक्रम जिसमें 62 करोड़ 30 लाख रुपए और इन तीनों को इन सभी को अगर मिलाया जाए तो कुल संख्या 23 बनती है। 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ एक समय में आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात का थोड़ा मलाल जरूर है कि आज का कार्यक्रम अगर आपके बीच में आकर के हम करते तो आनंद कुछ और तरह का होता। अभी भी संक्रमण अंदर है, फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, सर्दी के मौसम में और ज्यादा फैलने की संभावना इसमें है। ऐसी परिस्थिति में मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, विशादियां जो है वो थोड़ी संख्या में, शनि के शादी में मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लोगों को निमंत्रण ना हो, क्योंकि उसी के कारण हिमाचल प्रदेश में ये संक्रमण इस कदर पहुंचा है। पहला इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो हमने तय किया है कि 50 से ज्यादा कहीं भी सोशल गैदरिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यमुना नदी के तटीयकरण के लिए 251 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे सिरमौर जिले के लोगों को लाभ होगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक की।
उन्होंने सामाजिक समारोह के लिए जारी एसओपी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शादियों और अन्य समारोहों में 50 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति ना दी जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को फोन के माध्यम से कोरोना मरीजों का कुशल क्षेम पूछने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीज मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से फोन कर रहे हैं और इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार ने कल 8 दिसंबर को कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित बंद को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी राज्य सरकारों को कानून व व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बताया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, जो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों के संबंध में किसानों के मन में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में पारित कृषि कानून किसानों के हित में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन पर आज विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। देश की आबादी का 80% हिस्सा जो गांव में रहता है वो किसान है, बागवान है, और उनकी आर्थिकी को मजबूत किए बिना, उनको ताकत दिए बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक लक्ष्य के साथ बात कही थी कि हम चाहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमको प्रयत्न करना है और उस काम में हम लगे हैं। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि राजनीतिक मकसद के साथ इस किसान आंदोलन को एक रूप दिया जा रहा है, स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य इनका है कि मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जाए। मैं समझता हूं कि उसमें आज से पहले जितने भी उदाहरण हैं, सफलता नहीं मिली है उसमें, और इसमें भी वो सफल नहीं होंगे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में हो रहे आंदोलन के बहाने विपक्षी दल अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता कर रही है और 9 दिसंबर को फिर बातचीत होनी है। ऐसे में भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल के किसान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि विधेयकों के साथ है। वार्ता के द्वार सरकार ने जो है वो खुले रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, दो बार जो है वो वार्ता जो है वो हो चुकी है। 9 तारीख को फिर से वार्ता है, लेकिन 9 तारीख को फिर से सरकार वार्ता कर रही है, लेकिन ऐसे समय में भारत बंद का क्या औचित्य है? आज ये समझना चाहिए, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आज किसान जो है वो पूरी तरह से केंद्र के साथ खड़ा है। मोदी जी ने जो बिल लेकर के आए हैं, मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है कि किसान अपनी फसल को चाहे तो मंडी में बेच सकता है, एपीएमसी में बेच सकता है, अगर उसको बाहर ज़्यादा कीमत मिलती है तो वो बाहर जा कर के जो है उसको बेच सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो बिल में की हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने आंदोलनकारियों से भी आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने रोकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। बच्चे की जान को लेकर टाइम्स के लिए जारी करता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कुल्लू जिले के प्रगतिशील किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कृषि बिल छोटे किसानों और बागवानों के हित में है और सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। किसानों के अनुसार इस नई व्यवस्था से उन्हें बिचौलियों से निजात मिलेगी और फसल ना बिकने की स्थिति में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी प्रावधान है। मैं किसान बागवान हूं, मैं अपनी खेती करता हूं। केंद्र सरकार ने ये कृषि कानून बिल बनाया है, ये हमारे हित में है। इससे अब हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, हम आढ़तियों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। जहां हमारी इच्छा होगी, जहां हम अच्छा दाम मिलेगा वहां बेच सकते हैं। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। मैं इससे भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो किसानों के हित में इन्होंने ये बिल लाया है। कृषि कानून है, ये किसानों के हक में है, ये जो छोटे मोटे किसान हैं उनके हक में है, और मैं इसका स्वागत करता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। और इस बिल के आने से हमें काफ़ी राहत होगी और हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, आढ़तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक किसान हूँ और मैं अपना जो खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करता हूँ। सरकार ने जो कृषि कानून बिल लाया है वह किसानों के हित में है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिल के आने से हम अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे कि भी हमें आढ़तियों के चुंगल से भी मुक्ति मिल गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विपक्षी दल किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज इस बिल का सबसे अधिक विरोध कर रही है और इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इन पार्टियों के नेता जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं और आंदोलन के नाम पर किसानों के हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची है और अस्पतालों की स्थिति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करानी चाहिए। आज हालात इस कदर चिंताजनक है कि सरकार का पूरा प्रशासन पंगु बन के रह गया है। आज सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सरकार को दिशा निर्देश देने पड़ रहे कि इन निर्देशों और सुझावों के बाद ये साबित हो गया है कि सरकार ने निश्चित तौर पे लापरवाही बरती है। किसान आंदोलन को लेकर राठौर ने कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी कल प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,258 हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 300 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 711 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 36,634 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 7,854 सक्रिय मामले हैं। आज अभी तक 4 लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 726 तक पहुंच गई है। शिमला जिले में अब तक सबसे अधिक 8,431, मंडी में 7,430, कांगड़ा में 6,024, जबकि सोलन जिले में 5,443 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। पिछले 10 दिनों से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय 4,03,248 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो अब तक कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.18% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में 11,00,000 से अधिक कोविड जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कोविड नमूनों की जांच की संख्या करीब 14,70,00,000 हो गई है।
प्रदेश भाजपा ने किसान संगठनों से अपने आंदोलन को बंद करने की अपील की है। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि आम आदमी की सेवाओं को बाधित करना गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ही ये कानून बनाए हैं और अधिक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर गुमराह कर रही है ताकि केंद्र सरकार की छवि धूमिल हो सके। प्रदेश भाजपा ने किसानों से विपक्ष के बहकावे में न आने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में गौवंश को बेसहारा छोड़ने का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में समाज के अनेक लोग गौवंश की सेवा में आगे आ रहे हैं और लोगों को गौवंश को बेसहारा ना छोड़ने के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। इनमें से एक है शिमला जिले में रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा। ये पिछले कुछ वर्षों से बेसहारा पशुओं की सेवा में जुटे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकारी नौकरी के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाना सभी के लिए आसान नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा ये काम बखूबी निभा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा के बलबूते एक और जहां रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर महिलाओं के सफल प्रसूति कराने में प्रदेश भर में अव्वल है, वहीं गौवंश की सेवा में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिनेश शर्मा पिछले कई वर्षों से सड़कों पर छोड़े गए बेसहारा पशुओं को गौ सदनों में लाकर उनके लिए चारा उपलब्ध करवा रहे हैं और डॉक्टर होने के नाते वे चोटिल पशुओं का इलाज भी कर रहे हैं। गौवंश की सेवा में डॉक्टर दिनेश शर्मा हर वर्ष अपनी तरफ से 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारा किन्नौर इधर ये मंडी का एरिया है, कुछ इधर कुल्लू का एरिया है, तो लोग आते हैं और उसके बावजूद भी थोड़ा सा स्मेह जो है अपना उन पेशेंट्स से को देख के उनका ट्रीटमेंट करके पशुओं की खातिर निकालते हैं, तो एक बहुत ही खुशी होती है, एक अंदर से एक आवाज़ उठती है कि चलो ठीक है थोड़ा समय इनके लिए भी निकाला जाए। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा की ही मेहनत का परिणाम है कि आज रामपुर व इसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर काफी कम संख्या में बेसहारा पशु दिखाई देते हैं। वे बेसहारा पशुओं को नारकंडा व आसपास के गौ सदनों में ले जाते हैं और इनके रहने की उचित व्यवस्था भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से गौवंश को बेसहारा न छोड़ने की अपील की है। मेरा संदेश आम जनता से लोगों से ही है कि पशुओं को बेसहारा एक बेजुबान है ये लोग, तो जैसे पशुओं को हम बोलते हैं कि जाके भाई चलो छोड़ दो जी, दूध निकाला और उसके बाद भेज दो बाहर जंगल में छोड़ दो, ऐसा मत करें। हम सब आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। हमारी कोशिश, हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि जैसे कि सरकार से भी बार बार ये सहायता मिल रही है, इसमें बार बार हेल्प हो रही है कि अपना पशु को मत बाहर छोड़िए। गौशाला के सदस्यों का कहना है कि बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद वे इस कार्य के लिए समय निकालते हैं। विशेषकर हमारे पास कई ऐसे सहयोगी हैं जैसे हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो गायनी के रामपुर खनेरी में स्पेशलिस्ट है, उनका बहुत आभार व्यक्त करके, उनकी धर्मपत्नी का भी जो हमारे को यहाँ भरपूर मदद कर रहे हैं पशुओं की, स्वयं डॉक्टर साहब यहाँ पे जो पशु जिनके पैर टूटे हैं, किन्हीं के कहीं सड़कों में लोगों ने ठोकरें मारी हैं और उनको स्वयं आकर यहाँ पे इतने व्यस्त होने के बावजूद, क्योंकि रामपुर में हमारे को ऐसा लगा कि रामपुर में कितने डिलीवरी केसेज होते हैं, सबसे ज़्यादा डिलीवरी केसेज होते हैं, उतने व्यस्त के बावजूद भी वे इन गौशालाओं के लिए समय निकालते हैं। डॉक्टर दिनेश जी के बड़े आभारी हैं, उन्होंने उनकी प्रेरणा से यहाँ बहुत काम हो रहा है और वो खुद अपने आप बड़ी मेहनत के साथ और अपनी लगन के साथ उस गौशाला में हमारा सहयोग कर रहे हैं और यहाँ आके गायों की पूरी मदद कर रहे हैं। हम जनता से भी अपील करेंगे जिस तरह से डॉक्टर दिनेश इस कार्य को कर रहे हैं वो भी आके करें।
बेसहारा जीवों की सेवा करना परम धर्म माना गया है और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी बेसहारा गौवंश की सेवा को अपना धर्म मानकर आगे बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रामपुर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को राष्ट्रवासी नमन करते हैं और उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बहादुर जवानों के परिवारों के कल्याण में योगदान का आह्वान किया है। इस बीच सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सशस्त्र सेना झंडा लगाया। राज्यपाल ने इस मौके पर शहीद जवानों के आश्रितों की सहायता के लिए स्वेच्छा से दान भी किया। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक कर्नल PS अत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी सशस्त्र सेना झंडा लगाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना फंड में उदारता से दान की अपील की है। प्रदेश की बेटी अभिलाषा भरमौरी ने सेना में चयनित होकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। CDS परीक्षा के माध्यम से देशभर में 67 कैडेट्स का चयन हुआ है जिनमें से अभिलाषा ने देश में 15वां स्थान हासिल किया है। NCC यूनिट धर्मशाला की कैडेट अभिलाषा भरमौरी ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। आज धर्मशाला कॉलेज पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। अभिलाषा भरमौरी का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और अब वे सेना के माध्यम से अपनी मातृभूमि की सेवा कर पाएंगी। आर्मी एक ऐसा, मैं जॉब भी नहीं कहूंगी, एक जीने का जो है जरिया है। उसमें आपको हर तरह की जो है लाइफ जीने का जो तरीका है वो सिखाती है आपको। और मैंने खुद को हमेशा ऐसे ही रोल में पाया है जहाँ पे एडवेंचर हो, जहाँ पे सीखने का भी मौका मिले, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ जो है आपको एज अ पर्सनैलिटी ग्रूम करे, जो चीज़, तो मैंने खुद को वहीं ही पाया है। साथ ही में मेरे दादू जी भी एज अ जवान रह चुके हैं, मेरे नानू जी हवलदार रिटायर हैं, सो उनको जो उनका जो एक जीने का जो लाइफ स्टाइल था, एक बोल्ड, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। सो वही लेके मैंने आगे इस चीज़ को चुना है। अब एक नजर देश विदेश की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। इस परियोजना पर 8,380 करोड़ रुपए होंगे खर्च। निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य। दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों से हथियार और अन्य सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण के लिए हुआ मतदान। इस चरण में 249 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 22 दिसंबर को होगी मतगणना। केंद्र सरकार ने आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का लिया निर्णय। आयुष व्यापार और उद्योग संघ की संयुक्त समीक्षा में हुआ फैसला। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के अंतिम 2 दिनों में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर होगी चर्चा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 94.37% हुई। अब तक 91,00,000 से अधिक मरीज संक्रमण से हो चुके हैं ठीक। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तराखंड में पार्टी नेताओं से की बैठक। पार्टी नेताओं से जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देने को कहा।
बांग्लादेश ने भूटान के साथ किया अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता। दोनों देश एक दूसरे को अनेक वस्तुओं का कर सकेंगे शुल्क मुक्त आयात। कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार किसान संगठनों से बुधवार को करेगी छठे दौर की वार्ता। सरकार दे चुकी है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का आश्वासन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे प्रभावी उपाय है। मास्क संक्रमण के खतरे को 98% तक कम कर देता है, इसलिए आप भी मास्क पहनिए, दो गज दूरी बनाए रखिए और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेकिन अन्याय कुछ है।